आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खीर। ये टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक भी है। तो ये गेहूं की खीर है। तो यहाँ पर हमने 500 ग्राम गेहूं लिए हैं। तो गेहूं को हमने साफ़ कर लिया है। इसको हम खलबट्टे में कूटेंगे। तो इसको खलबट्टा बोलते हैं यहाँ पर। आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसको हमें बताइएगा। सारे गेहूं को हम इसके अंदर डाल लेते हैं। तो गेहूं को सिलबट्टे के अंदर डालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी का छींटा मारेंगे। इसको भिगो के रख देंगे लगभग 5 मिनट तक। तो इसको कूटने से पहले थोड़ा सा भिगाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके छिलके अच्छे से बाहर आ जाते हैं। तो इस तरह से इसको धीरे धीरे कूट लिया जाता है। तो इस तरह से इसको उलट पलट कर अच्छे से कूट लेते हैं। इससे इसका छिलका बाहर निकल जाएगा। तो ये देख सकते हैं इसमें छिलका काफ़ी अच्छे से निकल चुका है। इसको हम फिर से एक बार साफ़ कर लेते हैं। यहाँ पे एक सूप होता है, उसे इसका छिलका निकाल दिया जाता है। तो सूप से फटकते से इसके सारे छिलके बाहर आ जाते हैं और ये अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं इसके छिलके अच्छे से हमने साफ़ कर लिए हैं, बिल्कुल साफ़ हो गया है। अब इसको हम भिगा लेते हैं। तो कम से कम इसे 5 से 6 घंटे भिगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये अच्छे से भीग जाता है तो खीर जल्दी पक जाती है। इसे अगर टाइम हो तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें जितना खीर बनाना है हमने उतना गेहूं ले लिया है। इसको हम अच्छे से धोकर भिगा कर रख देंगे। तो जो बाकी गेहूं बच जाता है उसको थोड़ा सा सूखा कर हम डिब्बे में भर कर रख देते हैं। जब भी खीर बनाना होता है तो हम फिर से बना सकते हैं। तो गेहूं को हमने अच्छे से धो दिया है, इसको हम ढक कर रख देते हैं। इसको रात भर हम रख देंगे, सुबह इसकी खीर बनाएंगे। तो हमारा गेहूं अच्छे से फूल गया है। तो जब हम गेहूं को इस तरह से भिगा देते हैं तो खीर पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो गेहूं को पकने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए खीर कुकर में बनाई जाती है। सबसे पहले हम घी डालेंगे। हमारा घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसके अंदर गेहूँ डाल देंगे और इसे अच्छे से चला देते हैं। तो सारे गेहूं को हमने कुकर के अंदर डाल दिया है। अब हम थोड़ा सा इसको चला देते हैं। इसके बाद हम पानी डालकर रखेंगे। तो पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो कुकर से बाहर आने लगता है। तो इसको हम अच्छे से चलाकर इसमें पानी डालकर रख देते हैं। लगभग 2 गुना पानी डालना है इसके अंदर। तो पानी डालने के बाद कुकर को हम पैक कर देंगे और इसे पकाएंगे लगभग 10 से 15 सीटी आने तक। और इसको हम धीमी आँच पर पकाएंगे। तो अभी इसको हमने पैक करके रख दिया है, ये पक रहा है। इसमें हमने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला, नहीं तो पानी बहुत ही ज़्यादा बाहर आने लगता है। तो ये दूध है हमारे पास लगभग आधा लीटर तक, ये फ्रिज में रखा हुआ था। तो इसको हमने थोड़ा गुनगुना होने के लिए रख दिया है। अगर ठंडा दूध डाल देंगे इसके अंदर तो ये फट जाएगा। तो अभी देख सकते हैं गेहूँ हमारा अच्छे से पक चुका है। इसके अंदर हम दूध डाल देंगे। तो गेहूँ अच्छे से पक चुका है, इसके अंदर हम डाल देते हैं 1 कटोरी तक चीनी। मीठा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसके अंदर डालेंगे बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। तो इसके अंदर हमने ड्राई फ्रूट डाल दिया है। इसमें कटा हुआ नारियल डाला है, नारियल से बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। छोटी इलायची साथ में डाल देंगे। तो गेहूं की खीर हमारे प्रयागराज में हमेशा नागपंचमी पर बनती है। आप कभी भी बना के खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर।